नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त कम होस्ट कंचन गुप्ता और आज मैं आपसे कोविड-19 जैसी महामारी के बाद कंपनियों पर होने वाले कामकाज को लेकर बेहद खास जानकारी शेयर करने वाली हूं। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद अनलॉक 1.0 8 जून से जारी है। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए अभी भी सभी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों को पूरी तरह से खोलने के लिए महीने लग सकते हैं, लेकिन नियुक्ताओं के लिए अपने कार्यालयों और कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने का सही समय है। ये सोचने का समय है कि एक बार घर में रहने के निर्देश वापस लेने के बाद क्या काम दिखेगा। रिलायंस सिक्योरिटीज के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी की माने तो बहुत सी कंपनियों की क्षमता कोविड संकट बाद के वातावरण में प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की योजना से जुड़ी होगी, लेकिन कंपनियों के लिए उस समय की तैयारी को लेकर कुछ अहम बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब कोविड-19 संकट समाप्त होने के बाद लॉकडाउन पूरी तरह हटने के बाद कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर लौट आएंगे। दोस्तों, अखिल भारतीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शुक्ला बताते कि कोविड-19 संक्रमण कम होने और लॉकडाउन पूरी तरह से हट जाने के बाद भी व्यवसाय को कई महीनों तक घर से काम करने की नीति का पालन करना जारी ही रखना होगा। वहीं पता चला है कि रिलायंस सिक्योरिटीज में स्थिति के आधार पर विभिन्न चरणों में अपने कार्यालय फिर से शुरू करेंगे। हमने एक ऐसी नीति अपनाई है जिसमें हमारे 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह नीति सावधानीपूर्वक व्यापार की निरंतरता और टीमों के बीच प्रभावी संचार को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। काम पर ही अपने निजी जीवन में कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें अपने कर्मचारियों के लिए एक टेलीमेडिसिन और डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा कार्यालय परिसर में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एक पूर्ण सुरक्षा किट की व्यवस्था की है। विभिन्न चैनलों जैसे मेल, व्हाट्सएप के माध्यम से कर्मचारी की सुरक्षा, सावधानियां और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में संवाद करना इस संकट के दौरान बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों को ऑफिस में प्रवेश करने से पहले ऑफिस के अंदर और ऑफिस छोड़ने के बाद क्या करना चाहिए, इस बारे में एक विस्तृत सेट दिया जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ सरकार का आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के कैब प्रतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है और सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने से बचने के लिए कार पुलिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कैफेटेरिया टाइमिंग ब्रेक को उन लोगों के साथ प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जिन्हें बड़े समूह में से एक साथ जाने या ऑफिस से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कर्मचारियों को ऑफिस के घंटों के बाद भी उनके व्यवहार और कार्रवाई के बारे में संवेदनशील होना चाहिए। दोस्तों, कोविड-19 के कारण काम करने की आदतों में बदलाव के चलते टीमों के भीतर और अधिक सहयोग, अधिक उत्पादन कार्य दिनचर्या और सकारात्मक स्वास्थ्य व स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्मार्ट व्यवसायियों को इस सबक को सीखना चाहिए कि वो भविष्य में कैसे व्यापार करते हैं। लॉकडाउन के बाद कर्मचारियों के साथ कोई व्यक्तिगत सुझाव या मिलकर काम करने योग्य नहीं हो सकता है। इसने नई वर्चुअल नीति योग्य को कर्मचारियों की भलाई के लिए फिटनेस और तनाव प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी प्रतिभा का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। वहीं कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए बीमा प्लान भी सस्ता कर दिया गया है। दरअसल डिजिटल पेमेंट कंपनी फोरपे ने गैर जीवन बीमा कंपनी IICL लोम्बार्ड के साथ मिलकर ग्रुप सेल्फ गार्ड इंश्योरेंस के तहत हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट प्लान की घोषणा की है। यह अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्चों के लिए बनाई गई खास तरह की पॉलिसी है, जिसमें फोन पे इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह खास सुविधा दी गई है कि अगर वह किसी चोट या बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उन्हें एक तय राशि दी जाएगी। 19 के संक्रमण में अस्पताल में भर्ती होने पर भी यह राशि दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपको बीमा के पैसे पर दावा करने के लिए अस्पताल के बिल की भी जरूरत नहीं होगी। इस रकम के लिए अधिकतम मामलों में सिर्फ अस्पताल से बाहर निकलने का प्रमाण पत्र यानी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इस बीमा का लाभ उठाने वाले ग्राहक को कवर का पैसा सिर्फ तत्काल यानी मिनटों में मिल जाता है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। यह पॉलिसी इस प्रकार बाजार में मौजूद सभी पॉलिसियों के मुकाबले सबसे किफायती है। बहरहाल दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसी ही दिलचस्प खबरों से मुखातिब कराते रहेंगे। हाँ, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना बहुमूल्य कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।